गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू देयर? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, दिस इज़ द क्लास फॉर बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स काइंडली ज्वाइन फास्ट। हाँ जी, और काइंडली ज्वाइन फास्ट। हरी अप। The class for business studies is the board visible properly? Good morning to all. Shall we start today? Are we working? Yes. Okay, shall we start today now? I think the board is visible enough. Okay. Well, good morning guys. Welcome you again in the class, in the session. Any doubt that you are having? Because in tomorrow's comments, I haven't seen any doubt. It means the concept is clear to all. Should I assume of this thing? Chalo, bahut achhi baat hai. I want that the concept should be clear to you. But mind that you have to work on the language. I will simply explain you the concept, but the explanation part you have to take care of it, and you have to follow NCERT. Mind that NCERT is the Bible for us, so you have to follow it blindly. Yeah. So today what we are going to discuss is levels of management. कल हम लोगों ने discuss किया था ना, we had a brief summary that levels of management. We show it like on this triangular or a prism in which it has divided into this one. This one is for top level management. So today, हम लोग हर function का management discuss करेंगे, क्योंकि ये बहुत important है, case study form में आता ही आता है. तो I assume कि 3 to 4 marks में कोई भी level का, top level, middle level, supervisory level, किसी भी topic का वो पूछा जा सकता है, case study form में जरूर आता है. तो फंक्शन सबको क्लियर होने चाहिए, और ये चीज़ ऐसी है जो सबको पता है. तो यू आर वेल वर्स विद दिस टॉपिक, तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. अगर मुझे इतना बता दो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? दे आर CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हम होते हैं, MD, thereafter chairman, board of directors जो हमारे सारे आते हैं, they all are a part of your top level management. अब ये लोग करते क्या हैं? Are they actually the one who perform all the activities? No, they are not the one who actually perform or who actually make the product. They are the one who formulate the policies. तो policies बनाते हैं, काम क्या करना है, they set our targets. So first function is I talk about. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव, हमें करना क्या है. दे डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव, करेंगे क्या, क्या करना है, अब क्या करना है और कैसे करना है, कैसे करना है. सो दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज. अच्छा मुझे बात है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जो हमारा आजकल कोविड का चल रहा है, पता ही है, आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, देवर ही वॉज देयर ऑन द टीवी एट 10 o'clock, एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव वॉच व्हाट ही हैज सेड, दैट द लॉकडाउन पीरियड हैज बीन इंक्रीज्ड एंड दिस कमिंग वीक इज क्वाइट क्रूशियल फॉर अस. सो व्हाट ही डिड, द ऑब्जेक्टिव हैज बीन वेरी मच क्लियर टू ऑल की आवर मेन ऑब्जेक्टिव इन दिस पैंडेमिक इज टू रिड्यूस दिस द परफॉर्मेंस ऑफ कोविड. इट शुड नॉट हैम्पर ऑन द कंट्री, अदरवाइज वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हराना है. उसको हराने के लिए उन्होंने यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, दे आर डिटरमाइनिंग या फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, क्या करना है और कैसे करना है. दे आर नॉट द वन हु आर एक्चुअली डूइंग इट. कर कौन रहे, घर तो डॉक्टर और पुलिस वाले रहे ना, लेकिन काम करना किस तरीके से है, कैसे काम किया जाएगा, लॉकडाउन पीरियड कैसे इम्पोज किया जाएगा, असेंशियल्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, पुलिस को कहाँ कहाँ भेजा जाएगा, क्वार्टाइंस कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड कि किस तरीके से काम हमें
करना है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट को भी आपने टारगेट लिया कि इस साल मुझे अपनी 15% सेल्स इंक्रीज करनी है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव विच इज बीन सेट बाय द मैनेजमेंट। नाउ हाउ दिस ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी गेट अचीव, अचीव करने के लिए दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। फॉर्मुलेट पॉलिसीज करने के बाद दे अपना पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने की क्या काम करना है, कैसे करना है, उसके बाद उन्होंने एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं वो लोग कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करने वाला है। तो उन्होंने सबके लिए उन्होंने एक्टिविटीज डिफाइन कर दी कि हर एक का काम क्या क्या, ताकि सबको अपना रोल क्लियर होना चाहिए। यहीं पर उन्होंने काम कर दिया कि कमांडोस क्या करने वाले हैं, पुलिस फोर्स क्या करने वाली है, डॉक्टर क्या करने वाले हैं, नर्स क्या बनने वाले हैं, कौन से डॉक्टर कौन सी ड्यूटी देखेंगे, किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, कौन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जाएगा, जो डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं खासकर के जो मेडिसिन बना रही है, इक्विपमेंट्स बना रही है हमारे, वो किस तरीके से काम करेंगे, वहाँ पर वर्कर्स को किस तरीके से काम करवाया जाएगा। तो वर्क हैज़ बीन एलोकेटेड। तो अगर आपको पता है क्या काम करना है तब आप उसको आराम से कर पाओगे। हमारा नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन, दैट इज डिटरमिन द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हम फॉर्मुलेट करते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, हर फंक्शन में, हर डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होना चाहिए ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपरली अचीव हो सके ना। अब आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर दिया, आपने ये तो कह दिया कि मेरी 15% मेरी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, बट 15% सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, यू नीड योर रिसोर्सेज। तो या तो हमारा स्टाफ बढ़ा, और स्टाफ बढ़ाओ फिर उस पर बैठने की जगह भी बढ़ा, देर आफ्टर आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनें और ज़्यादा चाहिए, आपको अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग और अच्छे से देनी पड़ेगी, अगर आप उनसे ओवर टाइम करवा रहे हो तो आपको उनको फंड देना पड़ेगा। सो वट एवर द रिसोर्सेज दैट मैनेजर नीड्स टू गेट द थिंग्स डन, वो सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड ही करवाने पड़ेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन आता है इनका, दैट इज टू असेंबल द रिसोर्सेज। अगर आप रिसोर्सेज नहीं देंगे उनको तो काम अचीव नहीं होगा। सो वट एवर टारगेट यू हैव सेट, यू वॉन्ट योर सबॉर्डिनेट्स टू अचीव द टारगेट, सो इन दैट केस यू आर सपोज टू प्रोवाइड ऑल द रिसोर्सेज वट एवर दे नीड। एंड नॉट ओनली दे दिस, दे ऑल्सो अप्रूव बजट, पता है ना, होगा हमारी कंट्री में ऐसा, द बजट हैज बीन एलोकेटेड कि क्या करना है, कैसे करना है, और आपकी लिमिट डिसाइड कर दी गई है कि इस लिमिट से बाहर नहीं जाना, आपको अपना खर्चा इन्हीं के बीच में सेट करना पड़ेगा। और बजट भी ऐसे डिसाइड नहीं हो जाता है, और योर व्हाट वाज योर पास्ट परफॉर्मेंस, वो पास्ट परफॉर्मेंस में आपको कितनी दिक्कत आई, कितना आपने अचीव किया, कितना कॉस्ट उसमें आया, और आपने उसमें कितना एस्टिमेटेड था, कितना आपने एक्चुअली कैलकुलेट किया, और इस साल में हमारा क्या क्या इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन रेट एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर। सो जब आप बजट बनाते हैं तो वो वहाँ पर बजट भी उन्होंने अप्रूव करेंगे, तभी तो आगे करके हमारा काम सेट होगा। तो ये हमारा जो मेन फंक्शन है, ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट पता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, करने के लिए हर डिपार्टमेंट में हाउ टू एलोकेट दिस वर्क, कौन क्या काम करेगा, देयर आफ्टर असेंबलिंग द रिसोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दे अप्रूव द बजट, क्योंकि यहाँ पर हमारे फंड्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए किसी भी डिपार्टमेंट किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू गेट द थिंग्स डन इन अ प्रॉपर वे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच इज बीन परफॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, अब किसकी बारी आती है, हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट की। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिडल लेवल मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मिडल लेवल यानी कि जो हमारा मैनेजीरियल लेवल है वो क्या काम करता है। तो जितने सारे मैनेजर आप देख रहे हो, सारे चाहे हमारे क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर को भी कुछ सारा काम तो करने से रहा, उसके नीचे भी हमारे कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, कोई डिप्टी मैनेजर होगा, बहुत सारे मैनेजर्स उसके अंडर आते होंगे। तो वो मैनेजर्स क्या करते हैं, क्योंकि आपने टॉप लेवल में तो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, आपको काम करवाना किसने है, मिडल लेवल मैनेजमेंट में। अब तो मिडल मैन मैनेजमेंट क्या करता है, बेसिकली दे इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इंटरप्रेट द पॉलिसीज,
ठीक है, आप इंटरप्रेट द पॉलिसीज एंड हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ताकि से किया गया टू इंक्रीज 15% सेल्स। सो अगर मैं इसे बात 15% हो गया, अगर मैं इसको बात करूं इन तो हमारी टोटल सेल्स कितनी होनी चाहिए। लेट अस अज्यूम कि हमारी जो टोटल सेल्स आफ्टर सेटिंग द टारगेट ऑफ 15% इंक्रीज, लेट अस अज्यूम दैट आर सेल्स शुड बी 12 लाख यूनिट्स। क्लियर? तो ये मेरी पूरी कितनी एनुअल टारगेट है मेरा कि मेरे को एनुअली मुझे इतना काम करना पड़ेगा। अब जो मेरे को एनुअल मुझे फिगर मिल गई है, मेरा एनुअल टारगेट अगर मैंने अपना सेट करा है तो मुझे अब मैं उसको डिवाइड करूंगी कि 6 महीने में कितना होना चाहिए, 3 महीने में कितना होना चाहिए और हर महीने कितना होना चाहिए। तो आई जस्ट कंक्लूडेड दैट मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा जो सारा काम है वो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ ना। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो अगर मैं इसको परसेंटेज लेके चले तो हाफ ईयरली में माई टारगेट शुड बी 6 लाख यूनिट्स, फिर मेरी इतनी सेल्स हो जानी चाहिए। अगर मैं कहूँ इसको मंथली बेसिस पर कि मंथली बेसिस पर व्हाट शुड बी माय सेल्स, इट शुड बी 1 लाख यूनिट पर मंथ, यानी कि मुझे डेली बेसिस पर कितना मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उस प्रोडक्शन के लिए क्या मेरे पास स्टाफ इनफ है, क्या मेरे पास मशीनरी इनफ है विद इन दैट वर्किंग आवर। सो दिस इज द वे वी इंटरप्रेट द पॉलिसीज, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सी क्वालिटी का काम है, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, एवरीथिंग गेट्स डिसाइडेड। सो इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज को इंटरप्रेट करने के बाद ही आप अपना काम करना शुरू करोगे। नाउ आफ्टर दिस अब उन्होंने ऑब्जेक्टिव तो बना दिया कि मुझे कैसा सामान करना है, क्या काम करना है। तो मैं अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट बी टू सेटअप योर टू सेटअप योर ऑर्गेनाइजेशन और आई वुड से क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मुझे अपना अब मुझे सेट करना है। नाउ आई नीड टू सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मुझे हर डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। कि अब मैंने जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया कि हमने पॉलिसीज को इंटरप्रेट किया, क्या करना है कैसे करना है, उस पर क्लैरिटी मुझे मिल गई है। क्लैरिटी मिलने के बाद अब काम को एलोकेट भी तो करोगे हर डिपार्टमेंट में, क्या मुझे उसके लिए कितने फंड्स चाहिए, फंड्स मेरे पास अगर मेरे पास फंड्स इनफ नहीं है तो दे हैव टू अरेंज फॉर द फंड्स। अगर स्टाफ नहीं है तो स्टाफ भी मुझे अपॉइंट करवाना पड़ेगा। आई नीड टू इन्फॉर्म माई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कि मुझे काम करने के लिए इतने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टाफ की रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको प्रोडक्शन में ही नहीं चाहिए, उसको बेचने के लिए भी आपको चाहिए। ठीक है, तो वो सारे काम करने के लिए यू नीड टू टॉक टू योर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो अगर आपको रिक्वायर्ड होगा कि अगर आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है तो यू विल अपॉइंट स्टाफ ऑल्सो। अब स्टाफ अपॉइंट करना कोई ईजी टास्क नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन में सबसे पहले अगेन आपने रिटन टेस्ट आपको कंडक्ट करवाना है, आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाना पड़ेगा, मे बी हो सकता काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज बीन रिक्वायर्ड। देन आप उनका डेमो लेना चाहो कि हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, आपने उनको कोई प्रैक्टिकल दे दिया, एक सिचुएशन दे दी कि हाउ टू रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आपने वो सारी तैयारियाँ करी कि किस तरीके से उनको काम करवाना है। लेकर आने मान लेते हैं हमने बेस्ट जो कैंडिडेट उसको सिलेक्ट भी कर दिया, अब अगर वो प्रेशर है इट माइट बी पॉसिबल कि उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। तो एक मिडिल लेवल मैनेजर क्या काम कर रहा है, वो पॉलिसीज का इंटरप्रेट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, अगर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो स्टाफ भी अपॉइंट हमारा वो कर रहा है। देन आपका इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, हर पर्सन को पता होना चाहिए क्या काम करें और कैसे काम करें।
अब एक बात बताइए, लेट्स टेक अगेन द एग्जांपल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब उन्होंने क्या कहा कि लॉकडाउन तो है, पर लॉकडाउन कह देने से कि हमें एकदम क्लियर हुआ था कि लॉकडाउन में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। देयर आफ्टर जब हर डिपार्टमेंट ने अपनी पॉलिसीज क्लियर करी कि किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, आपके एसेंशियल्स जो हैं वो खुले रहेंगे, आपके जो क्या बोलते हैं मेडिकल स्टोर्स हैं वो आपके खुले रहेंगे, पुलिस किसको जाने देगी और किसको नहीं जाने देगी, स्टाफ यानी कि जो एसेंशियल्स के लिए स्टाफ चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, या जो भी आप बिजली पानी हमारे घर में आ रहा है तो उसके लिए जो एसेंशियल स्टाफ में काउंट किया जाता है वो भी, वो अपने ऑफिस जा रहा है, उनको कम्यूटिंग में कितना प्रॉब्लम हो सकता है, कितना वो रहेंगे। तो उसके अलावा आपने कैसों का कम्यूट किस तरीके से किया जाएगा, मास्क लगाना कंपल्सरी क्यों किया गया, दैट एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो वर्क हैज बीन असाइन, वर्क असाइन करने के बाद इंस्ट्रक्शंस वर इशू टू एवरीवन हाउ दिस वर्क इज टू बी डन। क्लियर, मतलब इंस्ट्रक्शंस हमारा क्लियर करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जब अच्छा आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर बार बार हमारे टीवी पे क्यों आ रहे हैं, एक बार उन्हें इंस्ट्रक्शन इशू कर दी तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ सकता है। सो व्हाई ही इज एड्रेसिंग द जनरल पब्लिक, सिंपली टू मोटिवेट द पब्लिक कि ही वॉन्ट सपोर्ट ऑफ ऑल, कि अगर उनको हमारा सपोर्ट नहीं होगा तो पब्लिक को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बींग ही इज पजेसिंग द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। अब यहाँ पर इतने सारे जो लोग हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, गुस्सा भी आता है, और क्या ये लोग एक तो हम उनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं और ये रेजिस्ट कर रहे हैं, और ये किसी पुलिस वाले को कभी अटैक कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी ने कभी आपके सामने ये चीज़ प्रेजेंट करी कि वो उनको गुस्सा कितना है, कि ऑलवेज देयर टू मोटिवेट कि ये काम हमें मिलकर करना है, हमारे जो लॉज हैं हम आगे कमिंग वीक में ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। पहले आपको बता दिया गया ना कि ताकि आप घर से बाहर ना निकले बिकॉज ऑफ केसेज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। सो वॉट इज ही डूइंग, ही इज इशूइंग द इंस्ट्रक्शन, जब वो इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हैं साइड बाय साइड ही इज मोटिवेटिंग यू। वंस यू गेट द मोटिवेशन आप वो काम आराम से ढंग से कर देते हैं। इट मीन्स नॉट ओनली मोटिवेटिंग यू, ही इज गाइडिंग यू, ही इज सुपरवाइजिंग कि क्या जनता वो काम ढंग से कर भी रही है कि नहीं, कहीं दिक्कत आ तो क्या काम करना है, पुलिस कैसे उनके ऊपर हार्श हो सकते हैं, कैसे फाइन पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती है। सो ऑल दीज थिंग, अगर आप इंस्ट्रक्शन इशू कर देने का मतलब ये नहीं कि सर बहुत देर काम हो जाएगा, यू आपको आई की बजाय वी पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि हम मिलकर करेंगे, वी नॉट बाय आई, क्योंकि ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट है। उसे मैं लगता है वर्कर्स के साथ काम करते हैं तो आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको उन्हें गाइड करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं आ रहा मुझे बताओ, मैं समझाता हूँ कैसे काम करना है, कोई परेशानी है तो वो बताओ ताकि वो काम हमारा पूरा हो सके। सो यही तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट कोऑपरेशन सो दैट योर वर्क वुड गेट डन ऑन टाइम। तो ये हमारे सारे मिले जुले हमारे टॉपिक्स हैं कि अगर आप एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे तो आपका टास्क अचीव नहीं हो पाएगा। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट लेवल पे। अब बाबा कह रही हूँ दैट दिस टॉपिक इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, सो प्लीज प्लीज इसके ऊपर एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। ओके, नाउ कम एट दिस सुपरवाइजिंग लेवल, यहाँ पे आपके पास आपको मिल जाते हैं वर्कर्स। सुपरवाइजर कौन होता है, हु इज डायरेक्टली अबव द वर्कर्स, ठीक है, द वन हु इज डायरेक्टली अबव द वर्कर्स, यानी कि अब उसको डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा तो वट एवर प्रॉब्लम वर्कर्स आर एक्चुअली फेसिंग ही इज गोइंग टू हैंडल ऑल दोस प्रॉब्लम। सो वट एवर द ग्रेवियंसेस और द सजेशंस विच आर बीन faced by the workers will be tackled by the supervisor. So I can say that जो middle level manager है, जो middle level पर जो हमारा manager है, he is acting as a linking pin between top management and supervisor. And this supervisor is acting as a linking pin between middle level manager and the workers. Clear?
तो ये इन दोनों के बीच में चेन बना रहा है, ये इन दोनों के बीच में चेन बना रहा है। सुपरवाइजर वर्कर्स को कोई भी कंप्लेंट होगी, आप पहली बार को अपने लेवल को क्लियर करेगा। अगर उसको वो अगर उसके बस की है कि हाँ वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू दैट। इफ इट इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, ही इज गोइंग टू इंटीमेट हिज सीनियर, सो दैट द व्हाटएवर द प्रॉब्लम दिस मैनेजर दिस वर्कर्स आर फेसिंग, इट शुड बी कन्वेड टू द मिडिल लेवल मैनेजर, सो दैट द प्रॉपर एक्शन कैन बी टेकन ऑन टाइम। And workers are saying that they are facing problem while production because they are not understanding how to mold a certain thing. अब वो कैसे बनाना उनको समझ में नहीं आ रहा है। सुपरवाइजर पहले खुद सिखाएगा, लेकिन if he feels कि वर्कर बहुत सारे हैं जिनको काम करना नहीं आ रहा, तो अकेला कितनों को समझाए। सो इट माई बी पॉसिबल ही मे टेक द हेल्प ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजर। ही मे आस्क हिम कि सर बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको काम करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं एक ही को काम सिखाऊंगा तो दिक्कत आएगी, ऐसे में क्या होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगी। सो इट माइट बी पॉसिबल दैट दिस मैनेजर मे कंडक्ट अ ट्रेनिंग सेशन फॉर ऑल। वो कहेगा ठीक है दो दिन कोई काम नहीं होगा क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा होने वाली है, ज़्यादा आपको दो दिन ट्रेनिंग दी जाएगी, फुल ट्रेनिंग अटेंड करिए, देर आपको अपने काम पर वापस आइए ताकि वेस्टेज तो ना हो, क्योंकि वो दो दिन का वर्क लॉस है, वो उसको ट्रेनिंग के बाद उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करके वर्कर्स की वो उसे कंपनसेट की जाएगी। बट यानी कि ये चेन हमारी जो है वो हमारी फॉलो की जाती है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजर। सो फंक्शंस ऑफ सुपरविजरी लेवल। सो नाउ सुपरविजरी लेवल पे हमारा कौन सा हमारा फंक्शन है, सबसे पहले ही हैंडल्स द ग्रीवियंसेस ऑफ द वर्कर्स। सो ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स, ही हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीन फेस्ड बाय द वर्कर्स, देयर आफ्टर ही इंश्योर, आई शुड राइट इंश्योर गुड वर्किंग कंडीशंस, काम करने में सब जो जगह है वो सही होनी चाहिए, वर्कर्स किसी भी ट्रबल में ना हो, बिजली वगैरह की दिक्कत ना आए, साफ सफाई वगैरह हो, एक काम तभी पढ़ाई तब करते जब वहाँ पर पढ़ने का माहौल अच्छा बना होता, तो काम भी करने का तब करते जब वहाँ पर अच्छी से जगह बनी हुई हो, वहाँ पर काम करें दिल भी करें। सो ही इंश्योर दैट प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट इज बीइंग देयर। नॉट ओनली दिस, वी ऑलवेज थिंक अबाउट सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इफ द नेचर ऑफ वर्क अप्लाई। जैसे हम बात करें माइंस एंड ऑल, पहली बात माइंस का काम ऐसा होता है जहाँ पर पहली बात वो इट इज डीप अंडर द अर्थ, ठीक है, जहाँ पर आपकी माइंस होती है तो वहाँ से बहुत सारी गैसेज भी वहाँ आती है, इसका मतलब मैक्सिमम वर्कर्स को कुछ हार्ट एलिमेंट्स या लंग्स की एलिमेंट्स होना वाजिब है कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है। या तो हम लोग जब भी उनसे काम करवाते हैं तो हमें एक सेफ्टी मार्जिन रखकर चलना पड़ता है कि हमें वर्कर्स का अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो हम किस तरीके से अपने वर्कर्स की हेल्प कर उनका ध्यान रखना है। तो ये चीज़ सिर्फ ये नहीं कि माइंस वगैरह केसेस में ही अप्लाई हुआ, हर फैक्ट्री में कोई भी कहीं भी कैसे भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे कुछ ऐसी चीज़ ना हो तो सेफ्टी का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्कर्स के लिए। सो फिर ही एक्ट एज अ लिंकिंग पिन। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन। अगर किसी कंपनी में कोई नया चेंज लेकर लाया जाता है तो नॉर्मली होती है वर्कर्स ऑलवेज रेजिस्ट, या हम अपनी बात करें तो दिस ऑलवेज रेजिस्ट फॉर अ चेंज, हमें वो पुराना काम इजी लगता है इसलिए हम पुराने लेवल पर जाना काम करना आसान लगता है। बट अगर मेरे कोई चेंज लेकर आना नेसेसरी है तो इन दैट केस जो हमारा जो सुपरवाइजर है वो किसी भी मिसइंटरप्रिटेशन को या मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने से बचाता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा ये वाला। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरी एक लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर इंटेंसिव खास करके फोकस कर रहे हैं कि मेरे पास कंप्यूटर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, सब भी मैं मैक्सिमम काम अपना मैनुअली खुद भी करती हूँ और मैनुअली लोगों से करवाती हूँ। अब एक बार क्या हुआ कि 10 वर्कर्स ने ये देख लिया कि ट्रक पे 50 कंप्यूटर्स आए मेरे, मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा 50 कंप्यूटर्स आ गए। ऐसे जब वर्कर्स ने ये चीज़ देखी उन्होंने डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को बताया भी होगा, अपने कलीग्स को बताया होगा, उनके माइंड में क्या थॉट आएगा,
जैसे ही एक लेबर इंटेंसिव यूनिट में आपने बहुत सारे सिस्टम्स देख लिए, क्या थॉट आने वाला है? बिल्कुल सही, यही कि अब सारा काम कंप्यूटर से होने वाला है, हमारी छुट्टी हमें निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे एक थॉट माइंड में मतलब प्रिवेल कर गया, एक सिनेरियो वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर सुपरवाइजर का रोल आता है, सुपरवाइजर में से कोई किसी को नहीं निकाल रहा, कंप्यूटर आए हैं क्योंकि मैनेजमेंट को अब चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, हमें अपना प्रोडक्शन बेहतर तरीके से करना है। कंप्यूटर आए ज़रूर हैं लेकिन काम कौन करेगा? आप लोग। कंप्यूटर को चलाने के लिए भी तो हमें टेक्नीशियंस चाहिए, आपको सिखाएंगे ना हम कैसे काम करना है। तो आपको कोई भेजा नहीं जा रहा, रादर आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ जी वो वर्कर्स, वो कंप्यूटर आपके यहाँ आए, नाउ यू विल वर्क ऑन दो सिस्टम सो दैट यू कैन हैंडल द थिंग्स। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना लेते हैं। तो जो भी उन्होंने मैनेजमेंट ने सोचा उसको वो अपने वर्कर्स तक लेके जाने के लिए ही इज एक्टिंग एज अ लिंकिंग पिन। नॉट ओनली दिस, ही ऑलवेज इनवाइट सजेशन। कई बार समय में ऑल्सो हैपन कि सामने वाला मुझे बहुत एक अच्छा आइडिया दे सकता है, काम क्या करना है, कैसे काम करना है। तो यहाँ पर जो हमारे सजेशंस हैं दे आर ऑलवेज वेलकम, क्या उनको सामने दिया है तो उसको जरूर उसको एक इम्पॉर्टेंस उसकी दी जाए, अगर वो अच्छी सजेशन है तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। सो एंड लास्टली ही हैज़ टू इंश्योर बेटर ह्यूमन रिलेशंस, अच्छी हमारी कॉपरेशन बना करके चले। अब एग्जाम्पल एक और फिर से देते हैं कि इफ आई एम एक्टिंग एज अ सुपरवाइजर एंड मेरे अंदर जो है 50 वर्कर्स हैं, तो ये ज़रूरी है कि सारे 50 वर्कर रोज़ के रोज़ स्कूल आते हैं, मतलब फैक्ट्री जाएंगे, कभी किसी के साथ कोई हेल्थ इशू होता है, किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रिटर्न ही सारे रोज़ आए, इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रोडक्शन तो कम होता जाएगा। अगर किसी पर्सन ने 2 दिन में छुट्टी कर ली, 3 दिन छुट्टी कर ली, तो मेरे तो टारगेट मेरा अचीव ही नहीं होने वाला। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर किसी का सही में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उस पर्सन का जो टास्क है वो किसी और को दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है? तो तुम उसको पूरा कर दो, पर वो दूसरा पर्सन एकदम से एक्सेप्ट कर लेता है वो काम, वो रेजिस्ट करेगा, और उसको क्या कहेंगे, समझाया जाएगा कल को तेरे साथ कोई परेशानी होगी तो तेरा भी तो काम कोई और करेगा ना। तो मिलजुल कर काम करना ये ज़रूरी है। तो मिलजुल कर काम करने की जो हमारी टीम स्पिरिट है, जो एक दूसरे के कोऑपरेशन है, दैट इज बी मोटिवेटेड बाय द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर इज द वन हु इज एक्टिंग एज अ लीडर, जो हमारा सारा काम करवाता है। सो दिस इज ऑल द वर्क विच इज बीन परफॉर्म बाय 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन में कभी भी 3 लेवल्स एक साथ नहीं आने वाले, कोई भी एक लेवल पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, केस स्टडी जरूर आएगी। सो डेफिनेटली योर टीचर्स आर गोइंग टू गिव यू द केस स्टडीज, जिसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एट विच लेवल यू आर वर्किंग एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू आइडेंटिफाई। क्योंकि पिछले साल पेपर में क्या आया था कि कुछ केस स्टडी आपको दी गई और टास्क जो परफॉर्म किए गए थे वो दिए गए थे। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आया कि फ्रॉम द अबव केस आइडेंटिफाई विच फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर, और उसके पार्ट टू में ये आया कि व्हाट आर द अदर फंक्शंस विच ही हैज़ टू परफॉर्म। ये अभी और कौन से उसको अदर फंक्शन जो है परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट 2 फंक्शन जो है वो केस स्टडी में दे दिए गए और रेस्ट 3 फंक्शन आपको जो है पार्ट 2 में अटेंड करने पड़ेंगे। ये पार्ट 1 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये रिमेनिंग जो आपके हैं वो पार्ट 2 के आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव कर रहे हैं। अब वो टॉपिक ले रहे हैं जिसके ऊपर मेरी पूरी बिजनेस स्टडीज बेस करती है, जो कि आप हर चैप्टर में आप फेस करने वाले हैं। दिस इज योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। माइंड इट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता जाता है। प्रोसेस का मतलब क्या है, इट हैज नंबर ऑफ स्टेप्स विच आर टू बी परफॉर्म। कैसे, हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे। हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं।
क्या, तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है, दीज आर माई मेन फंक्शन एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म. क्लियर? सो दीज आर द मेन फाइव फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या मतलब है, नाम तो सुना है प्लान, क्या होता है प्लान का मतलब? सिंपली थिंकिंग बिफोर हैंड, पहले से सोचकर रखना, थिंकिंग इन एडवांस. इट बेसिकली फिल्स द सिचुएशन एट प्रेजेंट वेयर वी आर एंड इन फ्यूचर. दिस गैप इज बीन फिल्ड बाय योर प्लानिंग वेयर यू आर and where you want to be. आप कल को, आप आज कहाँ हैं और आप कल कहाँ जाना चाहते हैं, थिंकिंग इन एडवांस की क्या करना है, कैसे करना है. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस विद एन एग्जाम्पल. मेरा सपोज कि मुझे कोई फैक्ट्री खोलनी है, आई गेस मेरा प्लान कि मुझे कोई बिजनेस करना है अपना. तो पहला काम आता है कि कौन सा बिजनेस करना है, क्या काम कर सकते हैं. आप बताइए, कल को आपने अपने स्टडीज खत्म कर दी और आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस करेंगे? कोई कहेगा मोबाइल का, कोई कहेगा ट्यूशन सेंटर का, कोई कहेगा कि मेरे पापा का अपना रनिंग बिजनेस है, मैं वो खुद का खोलना चाह रहा हूँ. तो हर एक के अपने अपने व्यूज आगे होने वाले. तो हम एक जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल कि मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है जहाँ पर मैं फुटवेयर्स बनाने वाली हूँ, ठीक है. तो मुझे अगर फैक्ट्री खोलनी है तो उसके पहले मुझे क्या क्या प्लान करना पड़ेगा? लेट्स थिंक इन एडवांस कि हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा इसके लिए. पहली बात, क्या मैं वही सामान बनाने वाली हूँ जो सामने वाला बना रहा है, ऑलरेडी कॉम्पिटिटर मेरा बना रहा है, तो मुझे किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होने वाला है. और जब मैंने ये सोचा कि मैं कैसा सामान बनाने वाली हूँ, देन आई थॉट क्या मैं इसके लिए, मुझे सबसे पहले चाहिए क्या ये कैपिटल, बिना इसके ये दोनों दे आर जीरो. तो इसकी फंडिंग कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से मेरा पैसा आने वाला है, पैसा का अरेंजमेंट कैसे करूँ. देन पैसा कहाँ से आएगा, लोन से, पापा से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसे मुझे पैसे का अरेंजमेंट मिलेगा. उसके बाद मुझे वो एरिया को देखना पड़ेगा जहाँ पर मुझे वो फैक्ट्री खोलनी है. मुझे वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स के लिए मुझे उनकी एलिजिबिलिटी चाहिए. और ये तो बात की बात है, सबसे पहले मुझे मशीन ही चाहिए काम करने के लिए. तो इनके अकॉर्डिंग आप बताते हैं कि मुझे कितना कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि जो भी सामान मैं बनाने जा रही हूँ वो थोड़ा हटके होना चाहिए, शुड बी यूनिकनेस, दैट प्रोडक्ट शुड हैव सम यूनिकनेस सो दैट द कस्टमर विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट. अदरवाइज आप भी जूते बना रहे हो, वो भी जूते बना रहे हैं, तो मुझे एज अ कस्टमर मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता, जहाँ से अच्छा लगेगा वहीं से ले लूँगी. तो यू हैव टू शो दैट योर प्रोडक्ट इज बेटर देन योर कॉम्पिटिटर. तो हाउ विल यू प्रूव दैट? तो इन सबको ध्यान में रखने के लिए यू हैव टू थिंक इन एडवांस, सोचना है. सोचने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे. इम्प्लीमेंट करना भी एकदम से ये नहीं होगा कि आपने जो स्टाफ अपॉइंट कर लिया, नाउ यू विल ऑर्गेनाइज द थिंग्स. सोचेंगे पूरा, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज, यही कि पहली बार हर चीज़ का. अगर मैं कहूँ कि मेरे को प्रोडक्शन में देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, भाई ये मेरा यहाँ, ये मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में यहाँ पर मेरा प्रोडक्शन होने वाला है, तो यहाँ पर मेरी मशीन्स आएंगी, मशीन्स कितने गैप में होनी चाहिए, मशीनों के साथ वर्कर्स का सिटिंग अरेंजमेंट कि मेरे वर्कर्स जो हैं वो वर्कर्स कहाँ बैठने वाले हैं. मशीनों के अलावा कुछ एरिया मुझे चाहिए ओपन सांस लेने के लिए भी, कुछ एरिया मुझे चाहिए और वॉशरूम, क्योंकि वो ज़रूरी है हर जगह के लिए, क्लीनिंग है ना, कितना एरिया मुझे वहाँ के लिए चाहिए. फिर आई नीड स्टोर, मेरा सामान कहाँ रखा जाएगा, सामान कैसे होने वाला है. एक जगह मुझे चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो जहाँ पर आप हर चीज़ का
डिसाइड कर लिया कि वो अरेंज किस तरीके से की जाए, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ मैंने इस बिल्डिंग का ऑर्गेनाइज किया कि मशीनें कहाँ होंगी, वर्कर्स कहाँ बैठेंगे, किस तरीके से आपने स्टोरेज हाउस आपका कहाँ से होना चाहिए, स्टोर हाउस में कितने कैटेगराइज है, कहाँ पे आपके फाइनल प्रोडक्ट रखने हैं, कहाँ पे आपने रॉ मटेरियल रखना है, रॉ मटेरियल के लिए यहीं का कहीं कुछ आपका स्पेस होना चाहिए, सो दैट यू गेट योर रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम हियर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग। नॉट ओनली दिस, फिर आप क्या ऑर्गेनाइज करने वाले, आप ऑर्गेनाइज करेंगे फाइनेंस को। पहली बात, आप अपना पैसा यूज करने वाले हैं या फिर बोरोड। अगर बोरोड है तो व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस, कहां कहां से आप लोन ले सकते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरीथिंग यू हैव टू कंसिडर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है, यू विल कंपेयर कि कहां से मुझे सस्ता पड़ रहा है, मैं वहां से वो सोर्स अपना अप्लाई करूँ। पापा का भी लगाया था, पापा अपने सारा पैसा नहीं देने वाले, तो हाउ विल यू अरेंज फॉर द फंड, तो फंड के अरेंजमेंट कैसा होगा, वो एरिया कैसा होना चाहिए, वो एरिया अगर आपका फैक्ट्री एरिया है तो बट ऑब्वियसली बात है महंगा होगा, अगर रिमोट एरिया है तो जमीन तो सस्ती मिल जाएगी लेकिन वहाँ वर्कर्स हैं क्या, क्या वर्कर्स आसानी से कम्यूट कर सकते हैं आना जाना, फिर आपके पास क्या सारी टेक्निकल फैसिलिटीज हैं कि नहीं। तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज, यू हैव टू थिंक अबाउट मेनी थिंग्स, जो आपने सोचा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप काम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज में हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली मैंने क्या किया, पहले मैंने प्रोडक्शन लिया, फिर मैंने फाइनेंस डिस्कस किया, तो मैं आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, देयर आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है ना, उस तरीके से आप काम को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं इसी को एक और एग्जांपल से समझा रही हूँ। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर स्कूल। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल सर, उसके नीचे कौन, यस वाइस प्रिंसिपल, दे आफ्टर वर्क हैज बीन डिवाइडेड प्राइमरी सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन एंड सीनियर सेकेंडरी, देयर आफ्टर सीनियर सेकेंडरी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कौन एडमिशन देखेगा, कौन फाइनेंस देखेगा, कौन एग्जाम देखेगा, कौन फर्नीचर देखेगा, कौन डिसिप्लिन देखेगा। इसका मतलब क्या है, जब आपने काम को सही तरीके से सोच लिया कि काम मैं इस तरीके से करने वाली हूँ ताकि आप एक काम लोगों को एलोकेट कर सके, सो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द वर्क टू नंबर ऑफ पीपल, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग, कि काम को आपने कैसे करना है, कैसे लोगों को फॉरवर्ड करना है। या देयर आफ्टर प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आपको क्या चाहिए, स्टाफ। हाउ विल यू अपॉइंट अ स्टाफ, सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टाफिंग सबसे पहले दी जाती है पेपर में एडवर्टीजमेंट। अगर पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं भी देनी है तो आप अपने आसपास किसको बोल दो कि मुझे कोई एम्प्लॉय चाहिए अच्छा सा, अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो मुझे बताओ। बट स्टिल हम लोग क्या करते हैं, हमें स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं ताकि मेरे पास खूब सारे लोग आए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लोग पेपर में एडवर्टीजमेंट देने की, इट मीन दैट आई एम इनवाइटिंग पीपल टू कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब सो दैट आई हैव द वाइडर चॉइस। क्लियर, जब हम बात करते हैं लोगों को इन्वाइट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज रिक्रूटमेंट। ठीक है, इट मीन्स इन्वाइटिंग पीपल टू कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब, इनवाइटिंग पीपल। आप रिक्रूटमेंट किया, लोगों को इन्वाइट किया,
फिर आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, चिल्ड्रन टेस्ट दे के या ओरली लेके डेमो दे करके उसका कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह उनको जो भी कंडक्ट करवाना है वो करवा के, तो आपने उनका सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट को आपने सिलेक्ट किया। देयर आफ्टर आपने उसको ट्रेन भी करना है, ट्रेनिंग उसकी रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो बंदा आ गया फिर आपने उसको ये बताना है कि भाई तुझे बैठना है किसके साथ है, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। तो ये स्टेप ना पहले आएगा, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। स्टाफिंग को भी करने के यानी कि लोगों को अप्लाई करने के पहले आप लोगों से कहो कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब। व्हेन दे अप्लाई फॉर द जॉब यू विल सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ देम, सो दैट इज योर सिलेक्शन प्रोसेस। जब आपने बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया तो आपने उसको बताना कि वेयर इज हिज पोस्टिंग इज टू हूम ही हैज टू वर्क। तो यहाँ पर हो गया ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन मीन्स मेकिंग हिम फैमिलियर विद हिज पीयर मेंबर्स, कि उसका बॉस कौन है, उसके साथ काम करने वाला है, एंड वेयर ही हैज टू सिट, इन विच डिपार्टमेंट, इन विच ब्रांच ही हैज टू बी देयर। देयर आफ्टर इफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड वी विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू दैट कैंडिडेट। इट मीन्स स्टाफिंग हैज टू बी डन। तो मैनेजमेंट प्लान करेगा काम कैसे करवाना है, उसे एक माइंड मैप बनाएगा, माइंड मैप बनाने के बाद लोगों को अपॉइंट करेगा। लेकिन लोगों को अपॉइंट कर देना सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू डायरेक्ट देम। आपको उन्हें डायरेक्शंस तो देनी पड़ेंगी कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कोई दिक्कत आया तो कैसे करना है। आप सिंपल सी बात है, हम आपको डायरेक्शन, अब आप ट्वेल्थ का कोर्स को मालूम होंगे, आप भी तो वेबसाइट से ट्वेल्थ का कोर्स निकाल सकते हो, एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास अवेलेबल है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ई क्लास, सो दैट समवन शुड गाइड यू, कोई आपको बता सके क्या करना है, कैसे करना है। और क्लासरूम में जब आप होते तो वो तो और बेटर होता है, देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन, यू कैन आस्क योर डाउट्स साइड बाय साइड। सो दैट दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हमेशा वर्कर का फॉल्ट नहीं होता है, समटाइम मशीनरी बार बार खराब हो रही है या फिर पावर फेलियर माना जा रहा है या कोई और रीजन हो सकता है। सो व्हाट रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि काम ठीक क्यों नहीं होता। या किसी वर्कर ने बहुत जल्दी काम कर लिया तो कैसे उसने बहुत जल्दी काम कर लिया, तो उसमें उसने ऐसा क्या खास किया कि सब हमारा काम टाइम से पहले हो रहा है। देयर आफ्टर यू हैव टू कम्युनिकेट। आप जब बात किसी से बात करते हो तो बात करने का तरीका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, पर प्लीज़ उस पर हंसिएगा नहीं, मम्मी की बात है, मम्मी तुमसे बात करती है, कोई काम करवाती है, कभी कभी डांट के भी बात करती है, पर कभी क्या मम्मी मेड से गुस्सा होकर बात करती है? मम्मा हमेशा मेड से प्यार से बात करती है, कभी उसको गुस्सा नहीं करती। क्यों? सारा काम उससे ही करवाना है, अगर उसे गुस्सा करेगी तो छोड़ के चली जाएगी। यही तो बात है, मैनेजर ने भी तो वर्कर से काम करवाना है। तो लैंग्वेज, द वे यू कम्युनिकेट, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, कैसे सामने वाले को पता लेते हो, दैट इज योर कम्युनिकेशन। मम्मी आपको अगर गुस्सा करती हो कभी कभी प्यार से जो काम करवाती है, तो वॉट इज अ वे काम करवाने का तरीका है, कभी मक्खन मारती हो कभी डांट करवाती हो। So that is your communication and that is your motivation. You have to motivate your employees. भैया काम करो, अच्छे से काम करो, बढ़िया काम करो, clear? So that is your motivation. There is some total of this. And lastly, controlling, the function of management. बिल्कुल, controlling सबसे काम जरूरी है। अगर आप control नहीं कर रहे हो तो सारे functions बेकार हैं। मुझे एक बात बताइए, why the exams are necessary? आपके कभी यूटीज होते हैं, कभी आपके हाफ ईयरली होते हैं, कभी आपके प्री बोर्ड होते हैं, तो ये सब क्यों जरूरी है? It is why it is necessary.
सो दैट वी कैन कीप अ चेक ओवर यू कि आप पढ़ाई कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो. अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप टेस्ट वगैरह में कंडक्ट नहीं करेंगे, तो हाउ द टीचर इज गोइंग टू थिंक नो कि भैया आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, वेदर एक्चुअली यू आर स्टडिंग और नॉट. सो विद थ्रू द मीडियम ऑफ दीज टेस्ट टीचर्स केम टू नो दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग समथिंग, यू आर समथिंग इज गोइंग इन योर माइंड एंड यू विल कम टू नो कि काम क्या काम करो कैसे काम करो. सो दीज टेस्ट आर द मेजर थ्रू विच वी कीप अ कंट्रोल ओवर यू कि किसको समझ में आ रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा है. अगर समझ में नहीं आ रहा तो बच्चे को स्टार्टिंग से मैं पकड़ के चलूँ ताकि बच्चे साथ साथ बड़े सभी बच्चों को वो पीछे ना रह जाए. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल. पहले सोचो क्या करना है, उसका एक माइंड मैप बनाओ किस तरीके से वो काम किया जाएगा. देयर आपका लोगों को अपॉइंट करो, आपने माइंड मैप बना लिया कि काम मुझे कैसे करना है, प्राइमरी में कौन सा बच्चे कौन जाएगा, सेकेंडरी में कौन जाएगा, सीनियर सेकेंडरी में कौन जाएगा. उसके बाद आपने लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया. लोगों को अपॉइंट करते समय यू शुड हैव इंस्ट्रक्शंस इन योर माइंड, यू शुड नो कि कौन किसको रिस्पॉन्ड करने वाला है, कौन किसका बॉस है. जब आपने उनको डायरेक्शन देनी किसने क्या काम करना, रोल क्लैरिटी उसको हम बोलते हैं, क्या काम करना है, किसने करना है, किससे करना है. Then keeping a control over them, whether the work is been going on as per the plans formulated or not. So it is very important. अगर आप controlling नहीं कर रहे हो, there is no use of all these things. तो अगर सारा base हमारा यहीं पे depend करता है. अब ये नहीं कहूँगा कि इसके बाद तो मेरा सारा management खत्म हो गया. एक goal खत्म तो दूसरा goal शुरू. ठीक है, हमने discuss किया था ना, that is a continuous process. चलता जाता है, पहले टेंथ के लिए प्लान किया, फिर इलेवंथ के लिए प्लान किया, ट्वेल्थ के लिए प्लान करें, तो वो हमेशा चलता जाएगा. गोल अलग अलग होते जाएंगे, डिफरेंट गोल्स हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी, बट द प्रोसेस विल रिमेन्स इन विच विल कीप ऑन रिपीटिंग. ठीक है, सो फॉर टुडे आई थिंक दैट दिस मच इज इनफ. सो वी विल मीट टुमारो. कल हमारा सबसे टॉपिक रह जाएगा दैट इज कोऑर्डिनेशन, वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल. थैंक यू.